नमस्कार दोस्तों, प्रणाम बारह वालों के। तो आज हम बनाएंगे नया चूल्हा पे कन्या पूजन के लिए भोग। तो कन्या पूजन के लिए भोग मैं बना रही हूँ और सारा प्रसाद हम नया चूल्हे पर रेडी करेंगे और आप सभी के साथ बहुत ही आसान तरीका से मैं कन्या पूजन का विधि भी बताऊंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ नियम है कि नया चूल्हा स्टार्ट करने से पहले इसे पूजा किया जाता है और उसके बाद अग्निदेव का पूजा किया जाता है, उसके बाद खाना आरंभ होता है। जो भी हम प्रसाद बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं उसके बाद ही आरंभ होता है। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ चूल्हे का। तो ये मैं घी से टीका लगा रही हूँ, उसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे, कुमकुम सिंदूर कुछ भी लगा सकते हैं। ये जो मान्यता है हमारे पूर्वज जो करते आए हैं नया चूल्हा का उद्घाटन में पूजा पाठ करना, इसका ये मान्यता है दोस्तों कि जब हम कोई भी प्रसाद या रेसिपी बनाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट बने, और यही अग्नि देवता से विनती किया जाता है। तो मैं अभी आपको पूरा विधि विधान से सब कुछ बता रही हूँ, नया चूल्हा का उद्घाटन भी और कन्या पूजन का विधि भी। दोस्तों, मेरा पूरा नवरात्रि भर तबीयत खराब चल रहा था और खांसी जुकाम में तो डरी गई थी कि क्या हो गया है अभी, लेकिन थोड़ा सा कल से मेरे को राहत मिला है। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल से हम फूल मंगवाए हैं बच्चों से, ये बच्चे लेके आए हैं फूल हमारे लिए। और इस फूल को तोड़ने के लिए ना 2 बजे रात से औरतें हमारे घर के पीछे है, फूल 2 बजे रात से पूरा दशहरा भर लोग तोड़े हैं इस फूल को। 2 बजे रात से ही तोड़ना स्टार्ट और 5 बजे तक तोड़ते रहते हैं। कोई बोलता हमारा ना मिला, हमारा ना मिला, तो देखिए हमको इतना ही मिला है, एक फूल भी काफ़ी है पूजा के लिए। तो मैं डाल लेती हूँ जल में, तो बाकी फूल को रखूँगी। पलट ले आई जी, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा अरवा चावल जल में जाता है और उसके बाद हम मिट्टी का चूल्हा का पूजा करेंगे। दहिना हाथ इधर को साइड में, सब तो हम आलू और चना का सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आलू उबाल लेते हैं और चना को हम फ्राई करके तब बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 2 मुंह वाला चूल्हा है तो 2 सामान एक ही बार में बनेगा। तो हम आलू उबाल लेते हैं और एक साइड हम कढ़ाई रख के और हलवा बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई को साफ कर लिए हैं, अब इसमें डालेंगे सूजी। सूजी डालने के बाद इसे हम 2 मिनट बिना घी डाले ही भूनेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे छोटे छोटे देवर हैं, एक ये हैं, एक ये हैं, ये बोल रहे हैं कि जा तू आटा साना, हम बनाओ तो नहीं। ये रिश्ते में देवर लगते हैं हमारे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और अच्छा लगता है हमको, आते हैं तो। सूजी को बिल्कुल लाल कर लेंगे भूज के, 2-3 मिनट तक पहले भूनेंगे, उसके बाद घी डाल देंगे। घी डाल के बिल्कुल लाल कर देंगे, उसके बाद इसमें चीनी और पानी डालेंगे। अगर आपके पास दूध हो तो दूध भी डाल दें, लेकिन आजकल दोस्तों गांव में भी दूध नहीं मिल रहा है, आप खुद सोचिए। हम लोग गाय भैंस नहीं रखे हैं तो गांव में भी दूध नहीं मिल रहा है। इनका गाय है तो अभी वो कार्तिक में बच्चा देगी। अच्छा, हुआ के भी है, कार्तिक में बच्चा देगी। देखिए दोस्तों, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और देखिए लाला जी बैठे हैं बच्चों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं और मेरा हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप ही बताइए सच है। अरे लाला जी तो लाला जी है, हेल्प करो, काम है सब करना, सुन लीजिए। देखिए आप, देखिए कैसे बात कर रहे हैं। मेरा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ।
नया चूल्हा में अच्छी ना लगे तू काम करो लेता नहीं करे आँच ना जब नया चूल्हा रहता है तब तो जलने में थोड़ा दिक्कत देता है और इसीलिए अरे मुंह भर दियो मुंह लकड़ी तो आए करो लकड़ी अंदर डाल दो मोटा वाले को। आप तो रोज जलाते हो चूल्हा हम जलाते हैं हमको सिखा रहे हैं देख लीजिए 25 साल हो गया दोस्तों चूल्हा जलाते हुए 25 साल कैसे हम जब 15 साल के थे तब भी एक दो बार जलाएंगे 15 साल एक साल जलाएंगे चौदह हो गई धुआं लगा तारे दादा फिर दी तो घी डाल लेती हूँ जितना जरूरत के अनुसार जरूरत भर का घी हम डाल लिए हैं सूजी में और इसको भून कर बिल्कुल अच्छा से लाल कर लेंगे। देख लो देखिए हम लो फ्लेम पे सूजी को अच्छा से भून लिए हैं लाल हो गया सूजी अब इसमें पानी डालेंगे चीनी डाल देंगे ये दोस्तों केसरी कलर है हलवा अच्छा लगने के लिए हम डाल रहे हैं कलर अच्छा आएगा हलवा का जल्दी चीज़ जलने लगता है और सावधानी से ना बनाया इसी में डाल देंगे हम जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो डाल दें मैं नारियल कतर के डाल रही हूँ थोड़ा सा हम ऊपर से देसी घी डाले हैं देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया है अब हम इसको जमा देते हैं थाली में उसके बाद हम पीस पीस काटेंगे थाली में थोड़ा सा घी लगा लेंगे उसके बाद इसे हम जमाएंगे आप इस तरीके से भी रख सकते हैं हलवा और इसे थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए इसे आप जमा भी सकते हैं ऊपर से थोड़ा सा हम इसके ऊपर नारियल का कतरन इस तरीके से डाल देते हैं इस तरीके से इसमें कट लगा लेंगे बोल दूंगी जैसे कि हम बर्फी काटते हैं आ रहा है दोस्तों बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये ना मंदिर बन रहा है हमारा तो आप देखिएगा हमारे पीछे में तो मंदिर बन रहा है इसीलिए आवाज़ आ रहा है तो देखिए अब इसे काट लिए हैं थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको हम निकाल लेंगे आसानी से निकल जाता है इस तरीके से दोस्तों देखिए आलू उबल गया है इसे हम चेक कर लिए हैं अब इसको हम छील लेंगे आलू को तो ये मैं ज़्यादा आलू उबाली हूँ हमें सिर्फ चाहिए आधा केजी आलू ये मैं दूसरे सब्जी बनाने के लिए उबाली हूँ तो आधा किलो चना और आधा किलो आलू दोनों हम बराबर का मात्रा रखते हैं तो मैं आधा किलो आलू उबला हुआ छील के रख लेती हूँ फिर आपको मैं सब्जी बना के दिखाती हूँ ये देखिए हम पूरी के लिए सब तेल डाल देते हैं कि धीरे धीरे धीमे धीमे आँच पर गर्म होता रहेगा तो जो हम आलू उबाले थे वही हांडी को हम दोबारा बैठा लिए साफ करके तड़का में लिए हैं हरा मिर्ची और जीरा और 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर है और 1 चम्मच से कम
मिर्चा पाउडर है, सरसों का तेल डाल देंगे हांडी में, जीरा और मिर्चा का हम तड़का देंगे। 4-5 बजे भोर में चना भिगो दिए थे, ये फूल चुका है, चना को हम डाल लेंगे। पता नहीं कहाँ जाए, धुआं लगा था। देखिए हमारा जो चना है ये बहुत ही अच्छा भून गया है, यही तो हम डाल देते हैं। ये टमाटर, दो बड़ा साइज का टमाटर को हम काट लिए थे। सबसे बड़े देवर आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हमारा फोटो नहीं डलाएगा का, तो हम बोले डलाई डलाई सुगार नहीं की तौलिया बोलने वाली। तो देखिए अब मसाला डाल लेते हैं हम, अच्छा से इसे भूनेंगे। और यहीं पे हम डालेंगे व्रत वाला नमक या नया नमक, जैसे कि नया पैकेट आप नमक लेके आए दुकान से वो डालें, जो यूज करने वाला नमक हो या मसाला वो यूज ना करें। तो देखिए नमक डाल के फिर से मिला देंगे, बाद हम नाम हम देने वाली। तो देखिए दोस्तों जो आलू हम लिए थे ये 1/2 kg के करीब हम इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा काट लिए हैं कि बच्चों को थोड़ा खाने में अच्छा भी लगे। और अब डाल लेते हैं हम, अच्छा से भून लेंगे। ढक्कन से ढक के ऐसे हम 5 मिनट तक भून लिए हैं सब्जी को। टमाटर देखिए अच्छा से गल चुका है, हमारी बड़ी सास आई है, बात कर रही है वही। तो दोस्तों देखिए हमारी बड़ी सास है आई है, तो अब बैठी जाए मत जाए ना, कहीं में रहे। यहीं पे हम पानी डाल देंगे, पानी हम ज्यादा नहीं डालेंगे चना में, थोड़ा लटपट बनाएंगे। तो इसे ढक्कन से ढक के और 5 मिनट तक पका लेते हैं। अब चलते हैं पूरी बनाने। अभी तो तत्काल मौसम ऐसा होता है, अभी अभी गर्मी आइए, जैसे ही शाम हो ना कोरोना नहीं खे जा भगवान होने से होने। हाँ ये दिल्ली रहो, दिल्ली के लोग मरो को माने जहां बात तो नहीं है, सब लोग बिहार में आए तो लोग भगा दिए। नहीं कोजे आज ना माने ये भी हाला हो गया ना, केहू के डर लगे काम में एने आईबे न करी। हम अपने मन को कहनी कि ये भगवान वालों का वो आदमी नियर बड़न सन भाग जाता है वो बस ना मैंने हम अपने गोंगा का लोगवा का हम कहन नहीं है मेरी नेके चिन्हत कि के कैसन बा के कैसन बा माने केहू के घर लोग चिन्हता है, लेकिन एकरा से सावधानी जरूरी है। सब कहत माने ई कहलो हमने से गांव बानी आके देवता लोग से बनाई इतना ये बतिया कि मैंने देवता लोग से चारों की ओर से गांव बनाई वो कहीं भी ना आई तो बहुत ही तो बात है तो कल माई तो थी पवित्र देखी तो जात के रह तो का कहता एक मेहंदा गावे ना मेहंदा क्या तू कह रही है और तनी कुछ कुछ बनाए के सिखा देती मैंने जो अपन पुराना पुराना ढकने सर और कौन कौन चीज वाला बनाए तो नहीं हेलो सब बना तो सब हमारा के सिखा दे। हां तो या के चूल्हा तो बन जाए तो हम बना ले, तो खाली बताओ जब हम बनाओ तो। तो देखिए हमारा चना आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा। तो हम जिधर कम आँच लग रहा उधर रख देंगे और इधर हम पूरी तलते हैं फटाफट।
ये देखिए दोस्तों, लाला जी पूड़ी बेले हैं, बहुत अच्छा गोल गोल बेले हैं और बेल रहे हैं और हमारी सासू माँ से बात भी कर रहे हैं। एक पूड़ी डाल के हम पहले तलेंगे। शानदार। अभी क्या डाल लो, कब निकाला? हाँ, ये पवन हाँ लिया वन तरी हलुआ, अग्नि देवता के पूजा कर दी। डाल कब निकाले? हाँ पवन, पहले आवा छिपल आवा, पवन दे बाटे ले आवा। सबसे पहले हम एक पूड़ी निकाले हैं और अग्नि देवता को पहले पूजा कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पूड़ी बनाना। तो थोड़ा सा सब्जी और थोड़ा सा मिष्टी और अब हम चूल्हे में डालेंगे। डाल एगो लिख देनी, तले डाल देनी, तले ओकरा के निकाल देनी। अच्छा, अब हमनी के ससुर गुले तन मिल जाए पहिलते न मिल जाए। दोस्तों, ज़्यादा पूड़ी तलने का तरीका मेरी सासू माँ बता रही हैं, बैठी हैं तो बोल रही है कि एक डालो एक पलटो और नीचे डालते जाओ। तो आँच तेज हो गया है, थोड़ा सा हम धीमा कर देंगे, मध्यम आँच। एक बार में चार चार पांच पांच पूड़ी बना रहे हैं तो हमें तो प्रैक्टिस है, लेकिन आप अगर बना रहे हैं अभी नए नए हैं, अभी अभी खाना बनाना स्टार्ट किए हैं, तो एक ही पूड़ी डाल के आप तलें, ऐसे में आपके कंट्रोल में रहेगा पूड़ी। तो बड़ा सोचिया रोआ दे लगला हमरा के, अब जाके बढ़िया जलता। तो दोस्तों, कन्या पूजन का टाइम हो चुका है, तो अब मैं थाल सजा लेती हूँ माता का पूजन के लिए और उसके बाद हम आपको कन्या का भोग लगा के दिखाते हैं कि कैसे हम लोग भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले कन्याओं का पैर धो के उसके बाद इसे साफ करते हैं कपड़े से, अपने आंचल के कपड़े से। तो देखिए सारे कन्याओं पैरों में महावर लगाई है, कितना अच्छा लग रहा है। सबरे ही लग रहा है। हाँ, चमका दे गुड़ावा। अरे बाबा, एगो तो दातवा मुंह खा गई है, सबो खा गई है, सब तो खाता है जी। थोड़ा भैरव बाबा हुआन, भैरव बाबा हुआन, ऊपर पैर है भैरव बाबा का। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा है जिसको मैं भैरव बाबा बोल रही हूँ। तो भैरव बाबा हुआ है, गोड़ रंग वही लो, हाँ कोई रंग लो, हाँ अच्छा।
ये भैरव बाबा अच्छे से पैर धुला रहे हैं, बोल रहे हैं पूरा पैर धो, तो पूरा पैर धो दिए। आशीर्वाद ले लो ना भैरव बाबा, ठीक बनो, अब आशीर्वाद ले लो। मैया जी है ये, देखो काली माई है, भवानी माई, भवानी माई गो, काली माई करी, काली माई जो करी, भवानी माई गो, काली माई करी, भवानी माई गो, काली माई है, भवानी माई है, काली माई तो भाई टू आ टू आ बाबू, कितना सुंदर फाइल फैली है, वाओ भैरव बाबा बड़न नो जींस पहन के आइला हन, मॉडर्न जमाना के भैरव, मॉडर्न जमाना के भैरव बाबा भाई, भैरव ये तो मॉडर्न बन हाथ धो के आता ना, तो कन्याओं को पाव का पूजन करने के बाद में ये जो जल है ये अपने घर में और जहाँ जहाँ भी आपको इसको छिड़कना है छिड़क दें, इससे बहुत ही बरकत होता है घर में। रोड का है पहले भी इतना है पहले पहले भी है तू पहले बड़ा कौन बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ, कौन बाबू हुआ, राजा बाबू, राजा बाबू, हम कहें कि लाल बाबू कौन तरह एक डांस कर बनू घरे नाचे, तू अपना घरे नाचब, अगरबत्ती कहाँ रखी है, मैं लोग डिसिप्लिन में नहीं खबर हल्का बात बा कोरोना धली तो ना बच जाई तरह हलुआ भी लिया पसंद के बैठो बाबू, सब्जी पूरे ढक के रखी ले बाबू, आ पानी की गिलास लगा ले, तो चाक
घर पूजा कर फूल मिल जाते साचे दरबार की जय, हेरा वाली माता की जय, काली माता की जय, दुर्गा जी की जय, नौ बहनी की जय, भैरव बाबा की जय, हनुमान जी की जय, शंकर जी की जय, पार्वती जी का गो पार्वती जी की जय, राम जी की जय, कुल देवता की जय, सब देवता की जय, सभी देवता की जय, जय जय बैठो बैठो अब तो बाकी रह गए प्रिंसिपल के बाद में दे दिया हिला प्रिंसिपल के बाद में दे दिया बात प्रिंसिपल के बाद में दे दिया सब बंद कर रहा हूं और 10 बजे पैसा ले लेला कौन भाई हां ना के कौन ना ले बनी रे भाई भाई भागी दे लो भी हाथ वाला हां हां धीरे 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 हां पण मोड़ के जुड़ा तारीख कितने की है बता देखा प्रियंस जुड़ा 350 तो दोस्तों हमारा कन्या पूजन का सभी विधि विधान से मैं विधिवत पूजा करके उनको विदाई कर दी हूँ और हमें बहुत ही अच्छा लगा, दिल बिल्कुल खुश हो गया। और अब मैं बड़ों लोगों के लिए प्रसाद निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं भी प्रसाद ग्रहण करूँगी। उसके बाद मैं आप सभी को नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए रेसिपी में फिर मिलती हूँ। जब तक के लिए नमस्कार। हलवा पूड़ी एक मैं खाली पूड़ी रख दी पूड़ी उठा के दे बाबू जी पूड़ी उठा के दे खाली हम देख और निकाल लीजिए।